हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है। हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू, था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू। मौजिज हजरात, आज इस मुकद्दस इन लम्हों में हम हजरत अली को याद कर रहे हैं, और कहा गया है कि उनके उस मर्तबे पे उनके बारे में कुछ कहा जाए, वो अली जो इंसान के लिए कष्ट ये उलझन है कि जिसका मर्तबा आसमान से भी ऊंचा हो उस हजरत अली के लिए क्या कहूं, जिसका मर्तबा आसमान से ऊंचा हो उसके लिए क्या कहा जाए, जिसका कलेजा धरती से बड़ा हो उसके लिए क्या कहा जाए, जिसका जिसकी गहराई समंदर से भी ज्यादा गहरी हो उसके लिए क्या कहा जाए, जिसका रुतबा पूरी कायनात से बड़ा हो उसके लिए क्या कहा जाए। इतना ही कहना चाहता हूँ, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई और बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई, और मैं सो गया था मौलाए कायनात का तसव्वुर करके। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई, और मैं सो गया था मौलाए कायनात का तसव्वुर करके, तमाम रात मेरी जात से खुशबू आई। मैं सो गया था मौलाए कायनात का तसव्वुर करके, मैं सो गया था मौलाए कायनात का तसव्वुर करके, तमाम रात खुशबू आई, तमाम रात मेरी जात से खुशबू आई। और दोस्तों, न नमाज आती है मुझको न वजू आता है, न नमाज आती है मुझको न वजू आता है, सजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता है, सजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात बड़े साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जिस मौलाए कायनात हजरत अली का जिक्र हम कर रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो हजरत अली, वो मौलाए कायनात, वो केवल एक कौम का नहीं है, वो पूरी दुनिया का है, वो पूरी कायनात का है, वो हर मजहब का है, वो हर उस शख्सियत का है जिसके दिल में मोहब्बत है, वो हर उस इंसान का है जिसका धर्म खिदमत है, वो उस इंसान का है जिसके दिल में किसी भी गरीब की मदद करने का जज्बा है, वो हर उस इंसान का है, वो हर उस शख्स का है जिसके दिल में गरीब की खिदमत करने का जज्बा है। लेकिन अफसोस कि जो आज के हालात हैं उसमें हर तरफ से एक आवाज उठ रही है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हर तरफ से एक आवाज उठ रही है, कहीं से कहा जा रहा है उसको भी पानी पिलाया हजरत अली को एक रात पहले, मानने वाले जब हजरत अली उग्रवादी बांटते थे। बड़ा संजीदा ये सब्जेक्ट है, बड़ा संजीदी जड़ी बड़ी संजीदगी चाहता हूं कि कहा जा रहा है कि हजरत अली के मानने वाले, उनके चाहने वाले कुछ उग्रवादी हो गए हैं। मैं यहाँ आपके बीच ऐलान के साथ कहना चाहता हूँ कि हजरत अली का चाहने वाला उग्रवादी नहीं हो सकता, हजरत अली का चाहने वाला मुसलमान हो सकता है, और मुसलमान वो है जिसका ईमान मुसलिम है। तो मुसलमान कभी उग्रवादी हो सकता है? अरे मुसलमान तो वो है जिसके दिल में मोहब्बत है, मुसलमान तो वो है जिसके दिल में अकीदत है, मुसलमान तो वो है जिसमें इंसान की खिदमत करने का जज्बा है। मुसलमान कभी उग्र
उग्रवादी नहीं हो सकता, और जो उग्रवादी है वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता, और जो उग्रवादी है वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन। कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं होता, अगर कलमा पढ़ने से मुसलमान हो तो मैं पहला इंसान हूं जो कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं, और मैं कह सकता हूं जो मुसलसल गरीब की खिदमत करता है, जो उस परवरदिगार पे ईमान लाता है, मुसलमान वो है, और मुसलमान वो है जो कुर्बानी देता है, मुसलमान वो है जो अपना बलिदान देता है कौम के लिए, उसके लिए। मुसलमान वो नहीं जो कत्ल करता है, क्योंकि कातिलों की कोई कौम नहीं होती। अगर कातिलों की कौम होती तो यजीद को लोग याद किया करते। अगर कातिलों की कौम होती तो यजीद को लोग याद किया करते। अरे कौम तो बिस्मिल की होती है, जो कुर्बानी देते हैं कौम उनकी होती है, जो अपने आप को मिटाते हैं कौम उनकी होती है। क्या फरिश्ता धरती पे आया जिसका नाम हजरत अली, कितना खूबसूरत नाम। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जो रसूल की खिदमत में रहे, साया बन के उनकी हिफाजत में रहे, वो अली, जिसका नाम जबान पे आते हुए भी भीतर से अंतर आत्मा प्रसन्न होती है, रूह जबान नहीं बोलती रूह बोलती है, जबान नहीं बोलती रूह बोलती है। उस अली का नाम लेकर के जहां रूह खुश होती हो, उस अली का चाहने वाला कोई उग्रवादी नहीं हो सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस अली का चाहने वाला, उसको मानने वाला उग्रवादी नहीं हो सकता है। उसको मानने वाला तो कोई फकीर हो सकता है, उसको मानने वाला तो कोई सूफी संत हो सकता है, उसको मानने वाला तो कोई महात्मा हो सकता है। जिस अली का जब कत्ल किया गया, जब शहीद किया गया, तो मैं सुन रहा था कि जो नमाज जब होती है उस वक्त, मुझे जहां तक याद है, जिस ने उनका कत्ल किया, जिस ने उनको शहीद किया, उसका नाम शायद इब्ने मुल्जिम था, इब्ने मुल्जिम था। अगर कातिल का कोई नाम लेने वाला होता तो उसका नाम आज यहाँ लिया जाता, उस मौलाए कायनात के लिए हम सैकड़ों किलोमीटर चल के यहाँ ना आते, सैकड़ों मील चल के हम ना आते। और इस गर्म जोशी के साथ जिस तरह आपने मेरा इस्तकबाल किया है, मैं ताउम्र मशकूर और ममनून रहूँगा। और मैं कह सकता हूँ कि यही वो कौम है जो हज़रत अली के दीवाने हैं, यही वो नस्ल है जो हज़रत अली की दीवानी है। और मेरे दोस्तों, आज इस जगह से पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए, यहाँ जलसा ख़त्म हो और सब अपने अपने घर चले जाएं, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हमारी दुआ भी है और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जब यहाँ से हम जाएं तो एक संदेश लेके जाएं, एक पैगाम लेके जाएं, और वो पैगाम हो मौलाए कायनात हज़रत अली का, उस मोहब्बत का पैगाम हो। उस मोहब्बत का पैगाम हो जो कौमी यकजहती की एक मशाल जलाए, एक चिराग रोशन करे। और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, उसकी रोशनी में अगर हम ऐसी मोहब्बत की मशाल जलाएंगे जिससे पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा, और हम बड़े शौक से, बड़े फ़ख्र से कहेंगे कि आ जाओ इस फ़र्क नज़र को भी मिटा दें, आ जाओ इस फर्क नज़र को भी मिटा दें, दुनिया ये समझती है तुम और हो हम और। आ जाओ ये संदेश लेके जाएं, ये पैगाम लेके जाएं। और यहाँ कुछ सियासतदान भी बैठे हैं, मैं उनके सामने ये बड़ी साफ गोई से कहना चाहता हूँ, क्या क्या उनका फर्ज है ये अहले सियासत जाने, क्या उनका फर्ज है ये अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है
जहां तक पहुंचे, लेकिन फिर उसी मोड़ पे आकर के कहना पड़ता है कि आज जो हालात है, आज जो मंजर है, वो हम कौम की तो बात छोड़ दो, हम फिरकों में बंटने जा रहे हैं, हम जमातों में तकसीम होने जा रहे हैं। और मेरे दोस्तों, यहां तमाम इल्म को जानने वाले लोग बैठे हैं, मौजूद हैं, वो इल्म जिसको दुनिया में हजरत अली ने जनाया, जिसका जन्म हजरत अली से हुआ, मैं कहना चाहता हूं। और अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई आलिम कहा जाए तो मौलाए कायनात हजरत अली को कहा जाए। हमें हजरत अली की बातों को मनवाने के लिए किसी साइंस की दरकार नहीं है। हजरत अली का मर्तबा इतना छोटा थोड़ी है कि चंद साइंसदान ये प्रूव करेंगे कि हजरत अली साइंस जानते थे। लेकिन वो आलिमों का आलिम मौलाए कायनात, रसूल का हिफाजत करने वाला वो शख्सियत, मेरे दोस्तों, उसके चाहने वाले आपस में तकसीम हो रहे हैं। और अगर यही सिलसिला मुसलसल चलता रहा तो बड़े पशेमा होकर हमें कहना पड़ेगा, और एक दिन वो आएगा कि हम बहुत अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ कहेंगे कि कितनी दीवारें हो गईं इस एक घर के दरमियान, घर ही कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियान, घर ही कहीं गुम हो गया दीवारों दर के। तो मैंने अपने नूर से मोहम्मद को खुश। आज कहा जाता है कि हुजूर ये फरमाते हैं कि आना वाली जुन मिन नूरिन वाहिद। अरे दुनिया, मैं और अली एक ही, तो यहां से ये बता दो कि मुसलमान कुर्बानी देना जानता है, मुसलमान के दिल में मोहब्बत है, मुसलमान के दिल में कुर्बत है, मुसलमान जिस अली का दीवाना है वो कभी उग्रवादी नहीं हो सकता है, मुसलमान तो दीवाने पैदा करता है, ये जो मज़हब है ये दीवानगी पैदा करता है, ये दीवाने पैदा करता है, ये मोहब्बत का चिराग रोशन करने वाले वो रसूल, वो सूफी संत फ़कीर पैदा करता है, वो अशफाकुल्लाह खां पैदा करता है, वो बीर अब्दुल हमीद पैदा करता है, वो मोहम्मद रफ़ी पैदा करता है, मेरे दोस्तों वो उग्रवादी पैदा नहीं करता है। मुझे याद आता है कि जिस समय अंग्रेज़ी हुकूमत ने अशफाकुल्लाह खां से कहा फांसी से पहले, बड़ा गौर करने लायक किस्सा है कि थोड़ी देर में तुम दुनिया से चले जाओगे, अगर कुछ ख्वाहिश हो, अगर कुछ आरजू हो, आखिरी ख्वाहिश बता सकते हो, तो अशफाकुल्लाह खां ने कहा कि कुछ आरजू नहीं, अगर आरजू तो ये है लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। बाद में मुसलमान तो कोई इस नस्ल में इस्लाम, मुझे कहानी याद आती है, मेरी तलवार, एक फकीर जो बड़ा निहायत फकीरों में भी सबसे ज्यादा गरीब था, झोंपड़े में रहता था, ऊपर से छेद थे, बारिश का मौका, सर्दी की रात, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी और कहा कि मुझे जगह चाहिए, पनाह चाहिए, उसने कहा चला, वो चला आया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा कोई इंसान आया, उसने कहा मुझे भी जगह चाहिए, ठंड से ठिठुर रहा था, उस फकीर ने कहा तू भी चला, लेकिन जो पहला आदमी था उसने कहा कि नहीं, जगह तो कम है, इसे क्यों अंदर बुलाते हो। फकीर ने कहा कि तू अपनी हालत को भूल गया जब तू ठिठुर रहा था। उसने कहा चला आने दे, लेट के रात ना बीतेगी तो बैठ के बीत जाएगी, बैठ के ना बीतेगी खड़े हो के बीत जाएगी। वो भी अंदर आ गया। थोड़ी देर के बाद फिर एक तीसरा आदमी आया, उसने कहा बड़े मजे की बात है, कहानी बड़े अच्छे मोड़ पे आती है। जैसे ही उसने कहा मुझे भी जगह चाहिए, मुझे भी पना चाहिए, तो दोनों आदमी जो अभी अभी ठंड से ठिठुर रहे थे, उन्होंने फकीर की तरफ देखा और कहा कि बाबा तू तो इसे भी बुलाएगा, इसलिए हम लेट से बैठ के और बैठे से खड़े हो जाते हैं। उसने कहा आने दो, इसको भी जगह मिल जाएगी, मैं बहुत देर से लेट रहा हूँ, थोड़ी देर खड़ा हो जाऊँगा। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि थोड़ी देर बाद एक गधा ठंड से ठिठुर रहा था, पानी से भीग रहा था, ठंड से ठिठुर रहा था, वो उस फकीर के झोंपड़े पे आ गया। फकीर ने कहा, उस तीसरे आदमी ने दूसरे की तरफ देखा, दूसरे ने पहले की तरफ देखा, और पहले ने उस फकीर की तरफ देखा और कहा कि इसके बारे में क्या ख्याल है। जब शहीद कर दिया, फकीर ने कहा इसे भी आने दो, ये फकीर का झोंपड़ा है,
किसी राजा का महल नहीं है, यह फकीर का झोंपड़ा है। किसी मिनिस्टर की कोठी नहीं है, किसी राजा का महल नहीं है, जहां इंसानों से जानवरों का सुलूक किया जाता है। ये फकीर का दर है, यहां जानवरों से भी इंसानों जैसा सुलूक किया जाता है। इसे भी आने दो, इसमें भी उसी ने, ऊपर वाले ने जान फूंकी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो फकीर भी हजरत अली का मानने वाला होगा, वो फकीर भी हजरत अली का चाहने वाला होगा। उनको शहीद किया तो दोस्तों भी पानी पिलाया। मैं ज्यादा एक रात पहले जब हजरत अली बांटते थे, बस आखिर में यही कहना चाहता हूं कि जो चिराग हजरत अली ने इस दुनिया को दिखाया, जो चिराग पूरी कायनात में रोशन किया, उस हजरत अली का पैगाम एक कौम के लिए नहीं, वो तमाम इंसानियत के लिए है। उसको पूरी दुनिया में फैलाओ, उसको पूरी